लाइट खेलने जा रहे हैं, कोई हैवी जिमिंग वाली एक्सरसाइज नहीं होगी। कभी कभी बॉडी को रिलैक्स्ड मोड में भी एक्सरसाइज करानी चाहिए। रिलैक्स्ड मोड और एक्सरसाइज, क्या दोनों चीजें साथ चल सकती हैं? गुरु काशिप, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम। दोनों चीजें साथ साथ चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो पट्टों को रिलैक्स करने के लिए स्ट्रेचेस वहां पे आते हैं, तो स्ट्रेचेस करेंगे। लेकिन मैं ये बताता चलूं कि मैंने कुछ दिन पहले नशर हुआ था हमारा एक प्रोग्राम, जो जिम में जाके मैंने ट्रेनिंग दी थी, उसमें 6 से 8 महीने का पूरा प्लान था कि आपने कंसेक्टिवली उसको रूटीन में फॉलो करते रहना है, वो आपकी रूटीन का हिस्सा होगा। लेकिन उस दौरान आपने इस रूटीन को भी हिस्सा बनाना है। और जो लोग जिम नहीं भी जाते, जैसे कि हल्का फुल्का काम हमने रखा, तो स्ट्रेचेस थोड़ा सा हम करेंगे ताकि हमारे मसल्स जो है वो रिलैक्स हों, उनमें जो टेंशन और स्ट्रेस होता है डेली बेसिस पे उसको करेंगे। शुरू करते हैं। Exactly. सबसे पहली हमने एक्सरसाइज करनी है, हमने स्टैंडिंग में जाना है और बिल्कुल आराम से हाथों को उठा के, योगा से इंस्पायर्ड मूव है, और आपने ऑल द वे रिलैक्स रहते हुए डीप 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 बिल्कुल स्ट्रेच लेना है। पड़ जाना है आपने ऑल द वे डीप स्ट्रेच करना है। 10 सेकंड का होल्ड रखना है आपने, और आप देखेंगे कि आपके टखनों से लेके आपके लोअर बैक तक के जो मसल्स हैं उनमें खिंचाव आ रहा है बहुत ज़्यादा। होल्ड करेंगे, रिलैक्स रहेंगे, 10 सेकंड तक होल्ड किया, इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे। हमने बैठना है नीचे और हमने अपने पंजों को हाथ लगाना है। किस तरीके से, आपके अगर घुटने थोड़े से ऊपर हो रहे हैं कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने आहिस्ता आहिस्ता जब आप वक्त के साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ती जाएगी। कमर को सीधा रखना है और आपने नाइस एंड कंट्रोल इनको होल्ड करके रखना है। अब आप देखेंगे अगेन आपके अपर बैक से लेके आपके टखनों तक के सारे मसल्स में खिंचाव आएगा, लेकिन आपने होल्ड करके रखना है, नाइस एंड कंट्रोल स्ट्रेच देना है, सांस लेते रहना है, रिलैक्स करना है ताकि आपके मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हों। और माइंड मसल कनेक्शन जरूर बनाना है, अपने माइंड को इस वक्त अपने बाजुओं के साथ, अपनी कमर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। एग्जैक्टली। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने सेम खड़े होना है और हमने वाइड स्टैंस लेना है। स्ट्रेच लिया वाइड और आपने 10 सेकंड तक होल्ड करना है, नाइस एंड कंट्रोल। इसी तरीके से आप स्विच करेंगे अपनी ग्रिप को, अपने स्टैंस को, और अदर साइड 180 तक लेके जाएंगे। और अगेन इसमें कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स करके एंजॉय करें, अपने बॉडी को एक्सपीरियंस करें, एक एक मसल के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। कोई हैवी एक्सरसाइज आज नहीं, आज हमें बिल्कुल रिलैक्स्ड रखना है बॉडी। मसल्स में तनाव और खिंचाव महसूस करेंगे आप और बॉडी आपकी रिलैक्स होगी। इसके बाद हमने वाइड स्टैंस करना है साथियों, आपने खड़े होना है और आपने लोअर जो अपनी बॉडी है उसको लॉक करना है। टॉर्सो मूव होगा, देखिए लॉक, टॉर्सो मूव हुआ ऑल द वे, फुल रेंज इसमें, रेंज ऑफ मोशन में लेके जाना है आपने। ये लेग स्ट्रेट रहेगी, डीप 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 डीप, अब यहाँ तक आप पहुँच पा रहे हैं कोई मसला नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपने रेंज ऑफ मोशन लेके जानी है, फुल रेंज, और यहाँ पे आके लॉक करना है, नाइस एंड कंट्रोल, सांस साथ साथ लेते रहनी है जी, नाइस एंड कंट्रोल। 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे, इसी तरीके से लोअर बॉडी आपकी लॉक चाहिए और बिल्कुल एहतियात से, बिल्कुल झटके से नहीं उठना, आराम आराम से उठना है। इसके बाद नेक्स्ट हमने करना है, ट्विस्ट लिया आपने, नाइस एंड कंट्रोल, और आपको यहाँ पे एक चैलेंज आएगा कि बहुत सारे लोगों की एक साइड जो है स्टिफ होगी, एक जो है आप रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा होगी, एक में कम जा रहे होंगे, ये नॉर्मल है, ये आपके जो बॉडी का जो बैलेंस है उसका थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ठीक अच्छा, हो जाएगा। ये मुमकिन है कि आप राइट साइड पे ज़्यादा नीचे जा रहे हो और लेफ्ट पे कम जा रहे हो, इस तरीके से, तो आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, अगेन लेग स्ट्रेट, लॉक किया लोअर बॉडी को, टॉर्सो मूव हुआ 180 पे, अब आप जाएंगे, बहुत सारे लोग यहाँ तक जाएंगे, लेकिन आपने कोशिश करते रहना है, ठीक है, लेकिन सांस लेना है, बॉडी को रिलैक्स रखना है, टेंशन नहीं लेनी, बॉडी रिलैक्स रिलैक्स, और ऑल द वे, एक वक्त आएगा कि आप फुल रेंज ऑफ मोशन यूज़ कर पाएंगे, इवन आप बॉडी अपनी यूँ मूव करते करते एक एंगल में आप पूरा स्ट्रेच कर पाएंगे ऑल द वे, फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ। 10 सेकंड्स तक आपने होल्ड करना है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो स्ट्रेच है वो हम ज़मीन पे लेट के करेंगे। क्या करना है, हमने अपनी एक टांग को लिफ्ट करना है ऑल द वे, आपने हाथ बिल्कुल ऐसे इनसाइड लेके जाएंगे और आपने लिफ्ट किया ऑल द वे पूरा ऊपर, और आपने स्ट्रेच किया फुल रेंज में। अगेन ये एक्सरसाइज, ये स्ट्रेचिंग बहुत दुश्वार, बहुत मुश्किल है, और ज़रूरी नहीं है कि आप इसको कर पाएँ, इसके लिए परेशान नहीं होना।
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जितनी रेंज ऑफ मोशन आपकी हो उसको आपने रखना है। 10 सेकंड्स तक होल्ड करते हुए इसी टांग को सीधा करेंगे, वापस पोजीशन में लेके आएंगे इस तरीके से, यहाँ फंसाया, होल्ड किया और आपने 180 स्ट्रेच किया, कम्प्लीटली लॉक किया हुआ है इंटायर बॉडी को, ठीक है। 10 सेकंड्स तक होल्ड करते हुए आपने आराम से वापस आना है। इसके बाद सेम पोजीशन में यहाँ रहते हुए आर्म्स को स्ट्रेट किया ऑल द वे और आपने फुल रेंज में नीचे ले जाना है इंटायर बॉडी। और इस तरह की एक्सरसाइजेस के साथ साथ हल्का हल्का सा कुछ मज़े का मीठा मीठा सा म्यूज़िक भी चल रहा हो तो क्या ही बात है ना जी? अभी एक साइड है हमारी, हमने हमारी तीन मूव्स हो गई हैं एक ही साइड पर रहते हुए, हमारी लास्ट है इस साइड पर करते हुए एक हिस्से को, यानी कि राइट लेग को यूज़ करते हुए। उसके बाद सेम चीज़ अपने लेफ्ट लेग पर करनी है, जहाँ से स्टार्ट करें आपका कम्फर्ट है। यहाँ हाथ रखा ऑल द वे और कम्प्लीटली आपने जो है जाविया, ओ भाई जान एक बंदा उस साइड पर भी था, ये दो बंदे नहीं है, एक ही बंदा है। स्ट्रेच किया 10 सेकंड्स तक होल्ड किया आपने और आपने वापस आना है, सेम चीज़ आपने दूसरी टांग पे करनी है। इसके बाद एक दो मूव्स करते हैं लास्ट और मेरे ख्याल में हमारा वक्त ख़त्म होने वाला है। हमने क्या करना है साथियों, हमने इस पोजीशन में आना है, उस्ताद जी की तरफ टांगे नहीं करनी आपने ऐसे किया, बॉडी को ऐसे स्ट्रेट किया, ठीक है, लेग्स को रिलैक्स किया, कम्प्लीटली बॉडी रिलैक्स होनी चाहिए। अब आपने क्या करना है, हाथों की प्लेसमेंट यहाँ लेके आएंगे कम्प्लीटली, इधर लेके आएंगे पुशअप पोजीशन में। अब आपने क्या करना है, इंटायर बॉडी मुझे आपकी लॉक चाहिए और नीचे चाहिए, आपको ऊपर लिफ्ट नहीं करनी, लोअर बॉडी को, अपर बॉडी को एज हाई एज पॉसिबल फुल स्ट्रेच देना है आपने, फुल कम्प्लीटली ऑल द वे फुल रेंज में। यहाँ पे आप कनेक्शन महसूस करेंगे, जब आप यहाँ कनेक्शन महसूस करें फुल रेंज पे आके, जो भी आपकी फुल रेंज है, यहाँ है या यहाँ है, ऑल द वे यहाँ आपने क्या करना है 180 कंप्लीट आपने जबरदस्त होल्ड, नाइस एंड कंट्रोल वापस आएंगे एंड देन 10 सेकंड्स होल्ड, फिर राइट साइड पे वापस आएंगे। इसी तरीके से आपने क्या करना है, लेग्स को लिफ्ट किया, हाथ आपके लॉक्ड हैं, हाथ लॉक्ड हैं गाड़े में, आपने बेंट हुए ऑल द वे डाउन और आपने डीकंप्रेस करना है आपने अपनी लोअर बैक को, अपनी जो डिस्क है उसको, स्पाइन को जो कंप्रेस्ड होती है वेट लिफ्ट कर करके, ऑल द वे स्ट्रेच करते हुए, नाइस एंड कंट्रोल, वेरी गुड ट्रेनर काशिफ, बहुत मज़ेदार। तो मैं एक्सरसाइज, ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज तो नहीं कहेंगे, एक्सरसाइज है भी, लेकिन ये स्ट्रेचिंग करते हुए रिलैक्सिंग स्ट्रेचेस आज हमने आपको बताए। ये करते हुए देख के मेरा दिल कर रहा था कि ये तो अगर मैं करूँ तो मैं तो आधे में सो जाऊँगा, नींद भी, मतलब बॉडी एकदम से रिलैक्स करती है ना, तो आपको नींद भी फिर अच्छी आती है। भाई हम जब किसी स्ट्रेस में होते हैं काम के या किसी भी सिचुएशन को लेके, हमारा स्ट्रेस यहाँ बहुत ज़्यादा होता है या यहाँ होता है, लेकिन हमने कभी गौर नहीं किया होता कि हमारे पूरे मसल्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। एग्जैक्टली, ये करेंगे तो आपको महसूस होगा कितने रिलैक्स हुए आप। एब्सोल्युटली, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे काशिफ। हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक से जब वापस आएंगे